एक मुंह में भरा हुआ खैनी खाने वाला, कम से कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। और इटावा में भी जानते होंगे रिश्तेदारी वाले लोग कि कितना विकास समाजवादियों ने कराया, कि पान खाना छोड़ दें, मुंह में भरा हुआ जो चीजें हैं वो छोड़ दें और कन्नौज के विकास में ध्यान दें। उत्तर प्रदेश में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच भयंकर तनातनी का माहौल देखा जा रहा है। लगातार दोनों ओर से एक दूसरे पर व्यक्तिगत आक्षेपों का दौर जारी है। इसी क्रम में कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी सांसद सुब्रत पाठक पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि खैनी और पान खाकर लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश करने वाले शख्स से क्षेत्रीय जनता विकास की उम्मीद नहीं कर सकती। मैनपुरी संसदीय सीट के उपचुनाव में पत्नी डिंपल यादव की जीत के बाद इटावा सफारी पार्क के भ्रमण पर पहुंचे अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जो शख्स सदन में पान और खैनी खाकर भाग लेने पहुंचता है उससे विकास की उम्मीद क्या की जा सकती है। इसके पहले आपको बताते चलें कि कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने ये बयान दिया था कि शिवपाल सिंह यादव को सपा से इसलिए हटाया गया था क्योंकि वो गुंडई करते थे और गुंडों को पार्टी में जोड़ रहे थे, जिसका जवाब अब अखिलेश यादव ने कुछ इस तरह से दिया है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। सुब्रत पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह को इसलिए अलग किया था क्योंकि गुंडे थी उनके पास, और यहां तक कि उन्होंने मुख्तार अंसारी को भी पार्टी में शामिल कराया था। मैं आपको बता दूं, एक मुंह में भरा हुआ खैनी खाने वाला, कम से कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। जो पान भर करके लोकसभा में कन्नौज और आसपास के विकास के लिए बात नहीं कर सकते। कन्नौज में एक्सप्रेसवे किसने बनाया या वो आसपास क्यों नहीं? अब जब वो मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो वो कन्नौज के लिए विकास क्या मांगेंगे? और यहां तो मैं जानता हूं इटावा में उनकी रिश्तेदारियां हैं, बहुत रिश्तेदारियां हैं इटावा में, और इटावा में भी जानते होंगे रिश्तेदारी वाले लोग कि कितना विकास समाजवादियों ने कराया है। इसलिए जिनका नाम आप ले रहे हैं उनसे कहना आप खुद के पान खाना छोड़ दें, मुंह में भरा हुआ जो चीजें हैं वो छोड़ दें और कन्नौज के विकास में ध्यान दें।